So welcome everyone to your computer class. So we were doing beta ji chapter number 3 of your book working with windows. Aapko pata na PT2 mein PT1 ka bhi chapters aate hain. Sabko pata hai. PT1 is also included in PT2 and PT2 mein jo humne first chapter karna hai that is chapter number 3 working with windows. Okay? ठीक है ये हम चैप्टर कर रहे थे. एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. सो वी डिड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, GUI एंड CUI है ना, विंडो का डेस्कटॉप क्या होता है, फाइल फोल्डर्स क्या होती हैं, हाउ टू क्रिएट इट. ठीक है एंड देन वी डिड वाज विंडोज एक्सप्लोरर. एक लेबल द डायग्राम आपको करवाई थी मैंने, आपको अगर याद हो विंडो एक्सप्लोरर की, उसमें से 5 बटन्स आपको करवाए थे, बैक एक फॉरवर्ड बटन एंड 3 सिस्टर्स जो आपको याद होंगी, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. 3 बटन्स और वहां पे बैक एंड फॉरवर्ड 5 बटन्स टोटल आपको करवाए थे उसमें. एंड देन लाइब्रेरी. सो व्हाट इज अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मीन्स छोटे छोटे से सेक्शन बना देते हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स बना देते हैं, सेपरेट फोल्डर्स फॉर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क. फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक के लिए अलग, वीडियोज के लिए अलग, पिक्चर्स के लिए अलग. ठीक है एंड देन क्रिएटिंग अ सेविंग अ फाइल एंड क्रिएटिंग अ फोल्डर. सो बेटा आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज रीनेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर ऑन पेज नंबर 30. ठीक है लास्ट टाइम वी डिड बट थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा से करते हैं. सो व्हाट इट सेज ओवर हियर कि चेंजिंग द करंट नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर इज नोन एज रीनेमिंग. जस्ट लाइक आई टोल्ड जसलीन टू रीनेम हरसेल्फ. जसलीन ने पहले मनप्रीत कौर से ज्वाइन किया था, देन आई टोल्ड हर टू रीनेम हरसेल्फ. तो उसने क्या किया, जसलीन कौर फ्रॉम 5th रेड. ठीक है ऐसे क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि हाँ जी आई हैव द चाइल्ड हैज रीनेम्ड. ठीक है और ये मेरा बच्चा जसलीन बैठा हुआ. ठीक है चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इन योर विंडोज 7 इज देयर. तो उसमें रीनेम जब करते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन, सिलेक्ट रीनेम, करंट नेम विल बी हाइलाइटेड एंड टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर. ठीक है चलिए यहाँ पे देखते हैं. लेट मी ओपन एनी फोल्डर ओवर हियर. ठीक है तो मैं यहाँ पे वापस जा रही हूँ यहाँ पे. ठीक है मैंने ये डी ड्राइव खोली है ऑफ माय पीसी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी जस्ट क्लोज द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ओवर हियर. तो याद रखिए मेरे पास ना यहाँ पे जो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना विंडोज 7 होती है, बट डिफरेंट फ्रॉम विंडोज 10. ठीक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइज टूल नहीं आता, टूल बार के ऊपर ऑर्गेनाइज टूल बार नहीं आता लिख के. बट आई एम गोइंग टू डू इज क्लिक ओवर हेयर एंड आई एम गोइंग टू प्रेस द न्यू फोल्डर बटन. न्यू फोल्डर बटन पे व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हेयर, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 5 और प्रेस एंटर. ठीक है अब ये मेरा न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया. बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि मेरी कौन सी क्लास है, 5th रेड है, ब्लू है, ग्रीन है कि पिंक है ना. सो अब मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू इज इसको पहले सबसे पहले क्या था सिलेक्ट करो. एंड मुझे अब बताइए फ्रॉम योर माउस, माउस आप यूज कर चुके हो, आपको पता है व्हाट इज अ माउस. ठीक है तो माउस में विच बटन यू विल प्रेस टू सिलेक्ट. अगर आपने कोई चीज को सिलेक्ट करना है, सिर्फ ब्लू कलर में उसको सिलेक्ट करना है तो आप कौन सा बटन दबाओगे, लेफ्ट और राइट. यस लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट बटन आएगा. ठीक है ये देखो मैं लेफ्ट बटन दबा रही हूँ, लेफ्ट. ठीक है अगर राइट दबाऊंगी तो क्या होगा, राइट दबाएंगे तो ऐसे विंडो ओपन होगी. ठीक है ये भी ठीक है. और बट हमने जब लेफ्ट क्लिक करना है, जब हमने सिंपल सिलेक्ट करना है किसी चीज को सिलेक्ट करना है, देन वी प्रेस क्लास 5 को हमने लेफ्ट बटन के साथ करना है. एंड ऊपर देखिए ऑर्गेनाइज टूल में दे सेइंग टू प्रेस F2 की फ्रॉम द कीबोर्ड और यू कैन क्लिक ओवर हियर रीनेम. और यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गया. अब मैंने यहाँ पे लिख देना है क्लास रेड एंड ब्लू, एंटर. अब मुझे पता लग गया कि हाँ जी ये फोल्डर जो मेरा बना है दैट इज फॉर क्लास 5th रेड एंड ब्लू. ओके दिस इज रीनेम ऑप्शन. एक बेटा आपको उसी के नीचे देखिए पेज नंबर 30 के नीचे आपको छोटी सी रीनेम की कूल टिप दी है, एवा कूल टिप दिया हुआ है. दे आर सेइंग कि यू कैन रीनेम बाय राइट क्लिकिंग एंड सिलेक्टिंग द रीनेम ऑप्शन. यस आई एम शोइंग अगेन ओवर हियर. देखो अब मैंने ये वाला ऑप्शन बनाया था क्लास 5 रेड एंड ब्लू.
ठीक है। अब रेड में मेरे स्पेलिंग देखो क्या मिस्टेक होगी, रेड को मैंने स्मॉल में कर दिया, ब्लू प्रॉपर वे से लिखा है ना, रेड आर मुझे कैपिटल चाहिए, बट आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू राइट क्लिक, दोबारा करती हूँ राइट क्लिक एंड गोइंग टू प्रेस द रीनेम ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो सबसे नीचे देखो ऑप्शन लिखा है प्रॉपर्टीज पे, उसके ऊपर रीनेम, आई एम गोइंग टू प्रेस ऑन रीनेम और मैं यहाँ पे क्या करूंगी आर को कैपिटल में करके प्रेस एंटर। अब ठीक है, क्लास फाइव रेड एंड ब्लू। ओके, भूमिका ने टू फोल्डर्स क्रिएट की है, वेरी नाइस भूमिका। ठीक है, क्लास फाइव रेड एंड ब्लू और आर और बी को मैंने कैपिटल कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू नाउ। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए योर सेल्फ, यू विल राइट। ओके, चेंजिंग द करंट नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर टू अ न्यू वन इज कॉल्ड डैश, बताइए। ओके निबंध, यू हैव डन द प्रैक्टिकल, दैट्स वेरी गुड। यजत, भार्गवी, भूमिका, निधिमा, बिल्कुल सही आंसर। अशिका, वेरी गुड। आदिल, बिल्कुल ठीक है। एंजल, करेक्ट आंसर। जसरूत, रीनी, बिल्कुल ठीक। गुशान, वेरी नाइस। गुशान, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो बेटे। ओके, वेरी नाइस। नवनीत, रूप, जसनूर, बिल्कुल ठीक आंसर है। नाउ वी आर 43 इन नंबर। ओके, लेट मी सी हू हैव जॉइन नाउ। आदिल वॉज देयर। ओके, आदित्य जी आए हैं आज। आदित्य जी, बी रेगुलर इन योर क्लास बेटे। अथर, पार्टिसिपेट किया करो बेटा, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है आपकी तरफ से भी। और कौन है, गुरनाज, गुरनाज बेटा आप भी। ओके, देन काव्या, किरण, लक्षिता, ऑल ऑफ गुड, नेहा, निबंध। ओके, माधव जी आप भी की, क्या किया कीजिए थोड़ा सा पार्टिसिपेट। ओके माधव, वेरी नाइस। अब बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, देखो पता लग रहा है कि यस वी आर पार्टिसिपेटिंग, वी आर लर्निंग साइड बाय साइड, है ना। अब ठीक है, चलिए अब आगे मैं जा रही हूँ डिलीट करने के ऊपर। ठीक है, नाउ आई डोंट वांट दिस फोल्डर, मुझे ये फोल्डर नहीं चाहिए। देन देयर आर टू ऑप्शंस अगेन फॉर इट। एक आपको दिया है टू डिलीट, इस फर्स्ट इज गोइंग टू सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर, और दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है। कहता ऑर्गेनाइज पे, टूल पे जाके देखो, यहाँ पे ऑर्गेनाइज बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ना, ये टूल बार पे देखो ऑर्गेनाइज लिखा है। When you click over here and select delete, तो आपका फोल्डर कहता है डिलीट हो जाएगा। और यू कैन प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, आपके पास कीबोर्ड होता है, सो यू विल प्रेस द कीबोर्ड पे से आप क्या करोगे, डिलीट की प्रेस करोगे एंड इट विल गेट डिलीटेड। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, दिस फोल्डर इज देयर क्लास विथ रेड एंड ब्लू, आई डोंट वॉन्ट दिस फोल्डर। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। कहता कि आप इसको ऑर्गेनाइज पे जाके इसको डिलीट कर दीजिए। What will happen? It will get deleted. या तो आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड में से आप डिलीट की प्रेस करेंगे। देखो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे डिलीट की जो है मैं प्रेस करने लगी हूँ और यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज टू डिलीट। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि किसी चीज को करने के लिए ना कंप्यूटर ने आपको 2, 3, 4 बहुत मेथड दी है, कोई एक चीज सिंपल चीज नहीं उसने बताई है, बहुत ढेर सारे तरीके आपके पास है, आपको जो पसंद आता है यू कैन डू दैट मेथड। ठीक है, एंड वो मेथड बिल्कुल सही होगा, आप किसी भी तरीके से कोई भी काम कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट काम की रिसाइकल बिन क्या होता है, डू यू नो, इफ यू नो देन राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन रीड योर रिस्पॉन्स, व्हाट यू थिंक इज रिसाइकल बिन। यस एंजल, वेरी गुड, कंट्रोल डी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, अभी करवा रही होगी, आई नो। निबंध नोज, करता क्या है बताइए। हर्षिका, बिल्कुल ठीक, वी डिलीट समथिंग इट गोज इन इट, यस। ऑल डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड हियर, यस इट कंटेन्स ऑल डिलीटेड फाइल्स। ठीक है, डिलीट्स परमानेंटली ऑल डिलीटेड फाइल्स, ठीक है बिल्कुल। भार्गवी, तनिष्का, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स दीजिए। नमन जी, आपका कैमरा ऑफ है बेटे, स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। श्रीशा इज सेइंग डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, ओके टेम्परेरी, ओके कंटेन डिलीटेड फाइल्स, सो डिलीटेड फाइल्स और डिलीटेड फाइल्स, बिल्कुल ठीक आंसर है, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है कि इट इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, ये एक ऐसा फोल्डर है जिसमें जितनी आपने डिलीट करती है, फाइल्स आपने डिलीट कर दी है, फोल्डर्स डिलीट कर दिए, गेम्स आपको नहीं चाहिए यू हैव डिलीटेड, म्यूजिक आपको नहीं चाहिए यू हैव डिलीटेड। ठीक है, कोई पिक्चर आपको नहीं पसंद है यू कैन डिलीट दैट, वो सारा का सारा सामान कहाँ जाएगा, इनटू द रिसाइकल बिन। ओके, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा।
अच्छा अब आपको देखो पेज नंबर 32 पे कीबोर्ड शॉर्टकट दिया है, चेक यू फ्रॉम योर बुक, चेक फ्रॉम योर बुक, मैं आई एम शोइंग यू ओवर हियर, पेज 32 पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट दिया है, ओके यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सबसे ऊपर आ गए, सबसे ऊपर देखो, ठीक है आ गए यहाँ पे आगे, ठीक है अब इसको ना ऐसे टिक कर लो, पेंसिल के साथ ही टिक कर लो कि वी हैव डिड दिस इन क्लास आल्सो, हमने इसको लर्न कर लेना है, इट्स अ कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, व्हेन यू कैन यूज द कीबोर्ड विदाउट यूजिंग अ माउस, दैट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है पेज नंबर 32 पे सबसे ऊपर है, देखो क्या लिखा है, प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और फोल्डर, कहता अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल या फोल्डर है वो आपको रिसाइकल बिन में ना मिले, वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, वो सीधे कहता डिलीट हो जाए, देन आप कौन सी की प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है इसको आप कर लीजिए शिफ्ट प्लस डिलीट, ओके प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, यस एंजल शिफ्ट प्लस डिलीट, ओके चलिए अब मैं आगे आ रही हूँ रीस्टोरिंग अ फाइल और फोल्डर पे, रीस्टोर अ फाइल और अ फोल्डर आपको मिलेगा ये पेज नंबर 32 पे, यस दर्श दर्श रेज हैंड फर्स्ट दर्श, हाँ जी बेटा बोलिए, मैम अगर हमने किसी फोल्डर को रिसाइकल बिन में डिलीट कर दिए तो फिर मैम वापस कैसे लेकर आएंगे उसे, वो डिलीट हो गया, अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया ना देन वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है फिर वो आपको नहीं मिलेगा, चलिए लक्षिता माय बैटरी इज लो सो आई कांट अटेंड द होल क्लास प्लीज ऐड माय अटेंडेंस, बेटा इफ यू हैवंट अटेंडेड द होल क्लास हाउ कैन आई ऐड योर अटेंडेंस, हाँ ओके अब रीस्टोरिंग पे देखते हैं कि रीस्टोर क्या होता है, ठीक है रीस्टोर क्या होता है, वेट वेट टू मिनट्स वेट कीजिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, देन आई विल आस्क अगेन, अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, ठीक है अब जो चीज करता आपने डिलीट करती है फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड इट गोज इनटू द रिसाइकल बिन, यू कैन रीस्टोर इट बैक इनटू योर कंप्यूटर, ठीक है क्या कहता है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है सबसे पहले डबल क्लिक एंड ओपन रिसाइकल बिन, सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन द रीस्टोर दिस बटन ऑन द टूल बार, ये देखो यहाँ पे लिखा है रीस्टोर दिस आइटम, लिखा है ना ये यहाँ पे सबसे ऊपर, ये देखो रीस्टोर दिस आइटम, ये आपको मैं दिखाऊंगी अभी कहाँ पे होता है, ठीक है इस कहता है इसको क्लिक कर दो तो क्या होगा, आपकी जो अगर सपोज गलती से कोई फाइल आपने डिलीट कर दी है इट विल कम बैक अगेन टू योर कंप्यूटर, ठीक है और देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, देखो दो मेथड फिर से दिए हुए, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर एंड सेलेक्ट द रीस्टोर ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू, ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना मैं क्या करती हूँ इसको, मैं जो हमने फोल्डर बनाया था ना क्लास फिफ्थ रेड एंड ब्लू इसको मैं डिलीट कर दूँ, आई एम गोइंग टू डिलीट इट, ठीक है डिलीट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू द डेस्कटॉप ओवर हियर, डेस्कटॉप पे मैंने रिसाइकल बिन ओपन किया, ठीक है अब मेरे पास देखो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं जो मैंने डिलीट की हुई हैं, सो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू लोकेट कि मेरा फोल्डर वो वाला था कहाँ पे, मुझे तो ये फोल्डर चाहिए था, ठीक है अब देखो यहाँ पे मुझे मिल गया क्लास फाइव रेड क्लास ब्लू मिल गया, आई एम गोइंग टू सिंपली सिलेक्ट इट और देखो यहाँ पे ये लिखा है रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स गिवन है ना सबसे ऊपर देखो लिखा है रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस इट अब क्या हुआ देखते हैं, लेट्स चेक नाउ, मेरी थी ये डी ड्राइव ना, सो आई एम गोइंग टू ओपन माई डी ड्राइव अगेन एंड यू कैन सी क्लास फाइव रेड प्लस ब्लू सेक्शन इज अगेन अवेलेबल फोल्डर इन माई डी ड्राइव, दोबारा आ गया वापस, ठीक है ये होता है रिस्टोर का काम, ओके हर्षिका कैन यू प्लीज टेल इफ माई वॉइस इज क्रैकिंग, हर्षिका मैम इट इज ओके, ओके बेटा जस्ट नो चेंज योर पोजीशन, बेटा चेंज कर लो अपनी पोजीशन,
कुशान ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके बेटा भाविक, रीस्टोर मीन्स वी एड इट अगेन लाइक द पिक्चर वी डिलीट गो इनटू वन फोल्डर एंड सिलेक्टेड एंड वन रीस्टोर ऑप्शन इन मोबाइल, हाँ जी रीस्टोर ऑप्शन मोबाइल में भी होता है, यस रुचित क्लियर, वेरी नाइस, ओके आप देखो यहाँ पे लिखा है कि क्लिक ऑन द एम्प्टी द रिसाइकल बिन बटन ऑन द टूल बार टू डिलीट ऑल द फाइल्स और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अब मैं दोबारा से रिसाइकल बिन आई एम गोइंग टू ओपन, ये देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब देखो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है, ये देखो मैंने कर्सर भी लेके गई हूँ, एम्प्टी रिसाइकल बिन, नजर आया, आया नजर, येस और नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी से लिख के बताइए कि अगर आपको नजर आया है देन राइट इन द चैट बॉक्स कि मैम यस इट इज विजिबल, आया, चलो अब स्क्रीन पे वापस आ जाओ, मेन स्क्रीन पे वापस आ जाओ सो दैट आई कैन प्रेस दिस बटन, वापस आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ गए, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस इट वन मोर टाइम, मैं दोबारा से इसको प्रेस करने लगी हूँ, एम्प्टी रिसाइकल बिन प्रेस कर दिया, उसे एक बार पूछा कहता आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट द फाइल्स ऑफ दीज आइटम, ठीक है कहता है एक बार देख लो कि आपको चाहिए तो नहीं कुछ ऐसा हो जो आपको चाहिए हो आप डिलीट कर रहे हो, सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आई एम गोइंग टू प्रेस यस, अब देखो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स कि क्या हुआ मैम जब आपने एम्प्टी द रिसाइकल बिन बटन को प्रेस किया तो ये हो गया, लास्ट वार्निंग आई एंजल, उसके बाद जब मैंने यस कर दिया तो क्या हुआ, भवनीत सिंह इरेज्ड, वेरी गुड, यस परमानेंटली डिलीटेड, यस हर्षिका वेरी नाइस, भाविक ऑल फाइल डिलीटेड डिलीटेड, लास्ट वार्निंग आई यस यस, सबका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक है, इरेज सब कुछ इरेज हो गया है, ऑल फाइल्स डिलीटेड परमानेंटली यस, ऑल फाइल डिलीटेड यस, भार्गवी गुरशान बिल्कुल ठीक यस, अपनी वेरी नाइस, ऑल फाइल्स आर डिलीटेड, एवरीथिंग इज डिलीटेड यस, बिल्कुल ठीक एंजल एंड शिवांश बिल्कुल ठीक है, रुचित आपका आंसर भी, दर्शन स्नूर ऑल्सो बिल्कुल ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक कूल टिप फिर से बता रही हूँ ऑन पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पे देखिए आपको एक कूल टिप दी हुई है, कहता है कि यू कैन रीस्टोर ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर, कहता है सारी की सारी भी आप वापस लेके आ सकते हो, अगर सपोज आपको कोई ऐसी फाइल और फोल्डर है जो आपको सारे का सारा सामान आपको वापस चाहिए, देन यू कैन सेलेक्ट द रीस्टोर ऑल आइटम्स, ठीक है अब मैं पहले कुछ ना फाइल्स वहां पर डिलीट करके भेजती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया ना, सपोज मेरे पास है क्लास 5 रेड एंड ब्लू, आई एम गोइंग टू डिलीट इट, ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू ओपन रिसाइकल बिन, ये देखो अब एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन जहाँ पे हमें मिले था उसके साथ आई एम क्लिकिंग ओवर हियर रीस्टोर ऑल आइटम, मिला रीस्टोर ऑल आइटम, अगर मैं इसको प्रेस करूंगी व्हाट विल हैपन, ऑल द फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन विल कम बैक अगेन विल बी रीस्टोर्ड, मैम कैन बी अगेन पुट टिक ऑन दिस कीबोर्ड शॉर्टकट, वेट इसको मैं बताऊंगी ना उसी को टिक करना, ठीक है चलिए आई एम गोइंग टू प्रेस इट अगेन रीस्टोर ऑल आइटम्स, क्या हुआ अगेन अ वार्निंग गिवन बाय द कंप्यूटर, Are you sure you want to restore all the items? I said yes. कर दो जी, restore कर दो. क्या हुआ? दोबारा से मेरे पास new folder थी में जो मैंने D drive थी मेरे पास दोबारा से class 5th red and blue वापिस आ गई. Restored again. ठीक है? तो ये होता है restore button का काम. चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा shortcut question है. What is the keyboard shortcut to permanently delete a file or folder? अभी आपको बताया था. अगर किसी चीज को कहता आपने परमानेंटली डिलीट कर देना है ताकि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए सीधा ही डिलीट हो जाए, शिफ्ट प्लस डिलीट, यस वैसे नॉर्मल डिलीट करोगे तो क्या होगा वो रिसाइकल बिन में जाएगी, अगर शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो क्या होगा वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, शिफ्ट प्लस डिलीट, हमने इसको टिक भी करना है, आपने कर लिया होगा टिक, आई होप सो राइट, चलिए आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन अगेन, चलिए क्वेश्चन सुनिए पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, यस और नो में आंसर दीजिएगा, ओके गिव आंसर इन यस और नो, मैम व्हाट इज द प्रैक्टिकल यू हैव टेल, हु इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आपका नेम चला गया बेटा,
Okay, Shrisha is saying. Shrisha, unmute yourself. Shrisha, unmute करेंगे बेटा. पहले कैमरा भी तो स्विच ऑन करिए. मैम मेरे मैम मम्मा के फोन में कैमरा खराब है. अच्छा मम्मा के फोन में कैमरा खराब. ओके चलिए आस्क योर क्वेरी. आप क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैम आपने जो सा प्रैक्टिकल कहा था मैम, तब मेरी क्लास मैम वो बंद हो गई थी मैम, वो प्रैक्टिकल क्या था? आपने कब आपकी क्लास बंद हुई बेटा? अभी तो मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ, मैंने पुराना वर्क करवाया आपकी, उसके बाद मैंने अभी आपको सिर्फ रीस्टोर न्यू करवाया है, ठीक है, और एक डिलीट करवाया. नहीं जॉन सा आपने प्रैक्टिकल दिया था मैम, तब मेरी क्लास लीव हो गई थी. प्रैक्टिकल अभी मैंने कौन सा किया है? अभी यही किया है बेटा मैंने, डिलीट करने ही आपको दिखाया है कैसे डिलीट करते हैं या रीस्टोर करते हैं. रीस्टोर और मैम जॉन्स मैम आज का नहीं पहले का. पहले का बेटा वो तो पहले हो गया मैम, तब मेरी क्लास लीव हो गई थी. रिकॉर्डिंग्स नहीं चेक की? आई हैव शेयर्ड द रिकॉर्डिंग्स विद यू मैम. वो यूट्यूब पे मैम वो आ नहीं रही है बेटा. मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है, यू विल चेक दैट लिंक, ठीक है, आपको पता लग जाएगा. लिंक शेयर्ड है बेटा आपके साथ. चलिए अब यहाँ पे चलो मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको बता रही हूँ. इफ अ फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, कहता कि वो आप रिस्टोर कर सकते हो. चलिए और मुझे यस में भी आंसर मिले हैं थोड़े से बच्चों के. आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर इज नो. एक बार अगर रिसाइकल बिन से आप डिलीट कर देते हो देन इट कांट बी रिस्टोर्ड अगेन, ठीक है. रिसाइकल बिन से गया तो वो सारा का सारा डेटा आपका फिनिश हो गया. चलिए मिस बा, मिस बा बोलो, अनम्यूट करो. मैम एक बार मैम मुझे डिलीट करना नहीं पता लगा, मैम कैसे करते हैं? डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने सेलेक्ट योर फाइल और फोल्डर जो भी आपको चाहिए, या तो कहता ऑर्गेनाइज्ड टूल पे लिखा होगा डिलीट, एक ऑप्शन होता है ये, देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिलीट, क्रॉस बना है रेड कलर का ऐसे, इसको प्रेस कर लो. और यू कैन यूज योर कीबोर्ड, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर लो, ठीक है. अगर ये भी नहीं करना then right click and delete, right click करके आप इसको delete कर सकते हो, ठीक है. Thank you ma'am. Okay Shrisha, each and every link is available, nothing is deleted from the group. If you want I'll share the link again in the with you on WhatsApp. Okay मुझे बता देना, मुझे message कर देना, I'll share the link again with you. Okay no need to worry. चलिए अगेन वन कीबोर्ड शॉर्टकट पेज नंबर 32 पे है, उसको टिक कर लीजिए बेटा, इसको टिक कर लीजिए. देखो क्या कह रहा है, प्रेस कंट्रोल प्लस ए टू सिलेक्ट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए. कंट्रोल ए मींस टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए मींस लिखिए इन द चैट बॉक्स, कंट्रोल ए मींस टू सेलेक्ट ऑल. अभी मैं बताती हूँ कैसे करते हैं इसको. यस एंजल वेरी गुड. चलो अब ये देखो मेरे पास कोई भी फाइल एंड फोल्डर है, व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल ए व्हाट हैपेंड, सारा का सारा जो मेरा सामान है वो हो गया है सेलेक्ट, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय फोल्डर, जिससे मैंने अपने फोल्डर को क्लिक किया है, देखो मेरे पास अब कितना सामान है. आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल ए व्हाट हैपेंड, सेलेक्ट ऑल, सारा का सारा वो सिलेक्ट हो गया. जब ब्लू कलर में हो जाए दैट मींस वो सिलेक्टेड है. ओके चलिए नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर. अगर कहता अगर आपने कुछ कॉपी करना है मूव करना है तो वो कैसे हम करते हैं. कॉपी मींस टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी, कॉपी मींस टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी. एक मेरे पास ओरिजिनल भी होगी और उसकी डुप्लीकेट्स भी होगी. फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन असाइनमेंट विद मी, ठीक है, मेरे पास एक असाइनमेंट है और मैं वो असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर देती हूँ, देन इसका मतलब ये थोड़ा ना हो कि मेरे पास असाइनमेंट ही नहीं रही. मेरे पास भी तो है उसकी कॉपी, एक आपके पास भी कॉपी है, मेरे पास उसकी ओरिजिनल फाइल है. दैट मीन्स वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी. एंड मूविंग मीन्स, मूविंग मीन्स सपोज अगर मैं बोलूँ यजत को कि यजत मूव फ्रॉम फर्स्ट बेंच एंड गो टू द थर्ड वन, यजत ने क्या किया,
यजत फर्स्ट बेंच से उठ गया और थर्ड बेंच पे चला गया, दैट मीन्स यजत को मैंने ओरिजिनल पोजिशन से उठा के उसको कहीं और भेज दिया। ठीक है, अब यजत की टू कॉपीज थोड़ा ना बनी, फर्स्ट पे भी यजत बैठा है, थर्ड पे भी यजत बैठा है, ऐसा थोड़ा ना हुआ है ना। यजत को मूव कर दिया है, मीन्स उसको मैंने वहां से कट किया फर्स्ट बेंच से और थर्ड बेंच पे उसको क्या किया है, पेस्ट कर दिया। ओके चलिए, आई एम शेयरिंग द बेटा अटेंडेंस लिंक विद यू टू मार्क योर अटेंडेंस। लेट मी जस्ट पेस्ट द लिंक ओवर हियर इन द चैट बॉक्स फॉर यू। मार्क योर अटेंडेंस बेटा जी। ओके आई हैव गिवन, मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन। चलिए, एंड मूविंग अभी मैंने आपको बताया, मी शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन, शिफ्ट करके एंड पेस्टिंग इट टू द अनदर वन। चलिए अब इसमें क्या है, कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर, अब देखेंगे अब ये क्या होता है। ठीक है, चलिए सेलेक्ट, अब स्टेप्स में ना जो मैंने बोल्ड किए हैं ब्लैक कलर में, जो मोटे मोटे बोल्ड किए ना, आप उनको देखिएगा। ठीक है, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, कॉपी स्लैश कट, एंड देन नंबर टू पे मैंने क्या लिखा है, पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास फोल्डर था आपका पुराना वाला, ठीक है, फिफ्थ रेड एंड ब्लू। अब कितना इसको आपने ऑर्गेनाइज्ड टूल में इसको मैंने कर देना है कट। सपोज मैंने इसको कर दिया कट, कट हो गया। नाउ आई वांट दिस फोल्डर इन डेस्कटॉप, ऑन डेस्कटॉप मुझे ये फोल्डर चाहिए। देन राइट क्लिक द माउस बटन एंड पेस्ट। क्या हुआ, क्लास फिफ्थ रेड ब्लू मेरे डेस्कटॉप पे आ गया है एंड फ्रॉम डी ड्राइव। अब डी में देखो क्लास फिफ्थ रेड एंड ब्लू आपको नजर आ रहा है, नो नहीं है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, कट कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आ रही हूं दोबारा फिर से, कहां गया, ये रहा। ओके, अब आ गया कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर। अब कॉपिंग एंड मूविंग को भी देखते हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट कॉपी और पेस्ट। बेटा डोंट पेस्ट लिंक योरसेल्फ, मैम विल पेस्ट ओनली। ओके निबंध, इफ इट्स क्लियर। ओके, डोंट पेस्ट द लिंक योरसेल्फ। चलिए, कॉपिंग एंड मूविंग, राइट क्लिक, सेलेक्ट एंड पेस्ट। अब इसको भी करते हैं, चलिए डी ड्राइव। अब देखो फिर से फिफ्थ रेड एंड ब्लू, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं कॉपी करना है देन आप ऊपर से भी इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर दिया, कॉपी। नाउ आई एम पेस्टिंग ऑन डेस्कटॉप, मैं फिर से उसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रही हूँ। नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर मैंने कॉपी पेस्ट किया है विल इट बी डिलीटेड फ्रॉम माय डी ड्राइव, डी ड्राइव से वो डिलीट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। नो नहीं होगा, वेरी गुड। अब देखेंगे क्या हुआ यहाँ पे डी ड्राइव में, देखो क्लास फिफ्थ रेड एंड ब्लू कॉपी यहाँ पे भी पड़ी है, ठीक है, और डेस्कटॉप पे भी देखो यहाँ पे है, मीन्स उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन चुकी है, बट ओरिजिनल फाइल भी मेरी वहीं पे ही है। ओके ओके, नेक्स्ट कम कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन पेज नंबर 33। बेटा इसको भी आप टिक कर लीजिए इसको। अब इसको भी देखो कितना इजी है इसको लर्न करना, आई एम टेलिंग यू अगेन। कि सबसे पहले देखो कंट्रोल एक्स मीन्स एक्स को आप याद करो ऐसे, सीजर देखी है ना आपने, सीजर आपने देखी होगी घर पे होती है, कैंची देखी होगी, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आपने भी यूज की होगी फॉर श्योर, है ना। सो आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स जब आपने कट करना है, ठीक है, देन यू विल यूज कट, कंट्रोल एक्स मीन्स कट। अच्छा, कंट्रोल सी, अब किसी चीज को कॉपी करना है तो सी स्टैंड फॉर कॉपी। अब कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट, जब ग्लू के साथ हमने किसी चीज को पेस्ट कर देना है, ठीक है, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट। ओके चलिए, अब इसको आपने टिक कर लिया होगा, जो आंसर दो यहाँ पे इन द चैट बॉक्स। कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट, कंट्रोल प्लस, एंजल रुक जाओ थोड़ा सा, सांस ले ले बच्चे, थोड़ा सा आंसर दो धीरे धीरे, वेरी गुड, एक्स एक्स बिल्कुल ठीक, एक्स, कंट्रोल और एक्स को दबाना है, ठीक है। चलो अब कॉपी, कंट्रोल प्लस कॉपी, कॉपी श्रीषा कॉपी करनी है,
कंट्रोल प्लस सी पेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। वी स्टैंड फॉर, जो वी होता है ये वाला वी, दैट इज फॉर पेस्ट। अब जो हमने सी प्रेस किया है दैट इज फॉर कॉपी। ओके, हाउ टू एडिट फाइल और अ फोल्डर, किसको एडिट करना है? भाविक विल स्पीक। चलिए भाविक एक मिनट में आपसे अभी अनम्यूट आपको करवाती हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, वेन यू राइट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इन्फो बॉक्स आपको दिया है ऑन पेज नंबर 33। वेन यू राइट क्लिक ऑन एनी ऑब्जेक्ट तो कहता कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन असेस द कमांड्स क्विकली। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट और पॉपअप मेन्यू। अब आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, सपोज आई हैव फिफ्थ रेड एंड ब्लू, इसको आई एम गोइंग टू राइट क्लिक, तो आपके सामने ये जो ऑप्शन आते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप मेन्यू और कंटेक्स्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं इसको, पॉपअप और कंटेक्स्ट मेन्यू। आई एम शोइंग इट अगेन, जजत एक मिनट बेटा बस, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स अपीयर होता है दैट इज नोन एज पॉपअप मेन्यू और कंटेक्स्ट मेन्यू। ओके, विच अपीयर व्हाइल राइट क्लिकिंग, यस जब आप राइट क्लिक करते हो ना तब आता है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ पेज 34 इज सर्चिंग फाइल्स और फोल्डर। अब सर्चिंग फाइल और फोल्डर क्या होता है, जो हमारी विंडो 7 है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन विंडो 7 के स्टार्ट बटन पे, व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन आपको यहाँ पे सर्च की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ओके, यू कैन सर्च ओवर हियर, जैसे कि यहाँ पे आपको यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन, ठीक है, आपको पिक्चर में गिवन है, बट इन विंडो 10 सर्च टाइप हियर टू सर्च, सबसे नीचे गिवन इन टूल बार, जब आपको किसी चीज को सर्च करना है, सपोज आई एम गोइंग टू सर्च पेंट, व्हेन यू क्लिक ऑन पेंट तो आपके सामने पेंट की जो है आपके सामने प्रोग्राम आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सर्च होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर विंडो 7 एंड विंडो 10। ओके, चलिए अब ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ट्रू फॉल्स, ठीक है, टुमारो वी विल डू। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेरीज वन बाय वन, बट जिसको मैं नेम लूंगी पहले वो अनम्यूट करेगा। ओके, रेज योर हैंड फॉर योर क्वेरीज, वन बाय वन आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, तब आप पूछेगा। ओके, चलिए यजत। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जब पिछली बारी आपने जो करवाया था ना मैम पिछली क्लास में, तो मैम वहां पर तब मैंने मैम उसे अपने लैपटॉप पे मैम प्रैक्टिकली करके देखा था, पर लेकिन मैम मेरा मैम फोल्डर तो बन जाता है, पर लेकिन मुझे उसमें फाइल ऐड करनी नहीं आ रही। वो अभी आपको आगे आ जाएगा, फाइल ऐड करनी है, फाइल ऐड पता तब करते हैं जब आपने सपोज कोई टाइपिंग कर ली है, ठीक है, यू हैव टाइप योर वर्क, अब आप उसको सेव करने जा रहे हो ना, देन आप सेव कहाँ पे करोगे, यजत में फोल्डर में जाके करोगे, तब आपकी फाइल्स जो हैं वो वहां पे आएगी। जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास जो मेरे नाम का फोल्डर है, ठीक है, ये जितना भी वर्क है आपको नजर आ रहा है ये कहाँ से आया, क्योंकि मैंने अभी अपने फोल्डर में सेव किया, डायरेक्टली इसको यहीं पे सेव किया। और अगर ऐसा भी नहीं करना ना, तो भी आपको कट कॉपी सिखाया है ना, कट कॉपी सीखा ना, तो कट कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। चलिए अब श्रीशा, श्रीशा अनम्यूट करो बेटा, अपने आप कर लो अनम्यूट, कर सकते हो, मैंने कमांड दी हुई है। यस मैम। मैम जो आंसर हम करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स, मैम फाइल्स और फोल्डर्स का मीनिंग सेम होता है या अलग अलग होता है? फाइल होती है, मैं दोबारा बताती हूँ, फाइल होती है जैसे कि श्रीशा की बुक्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, कोई इंग्लिश की बुक है, कोई पंजाबी की बुक है, देन यू हैव हिंदी बुक्स, है ना, एंड फोल्डर इज योर बैग। श्रीशा का बैग क्या है, वो फोल्डर है, ठीक है। अब जितनी भी आपकी बुक्स हैं यू कैन कीप इट इन योर बैग, आप बैग में डाल सकते हो, मीन्स यू कैन क्रिएट अ फोल्डर। एक फोल्डर क्या है, आपका बैग है जिसमें आप अपनी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, फाइल क्या है, कोई भी फाइल है, कोई भी चीज है जो कंप्यूटर में है, चाहे आपकी म्यूजिक है, चाहे आपके सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, अगर सपोज आप कोई